आपकी फौज को उसका राजनीतिकरण करने का काम किया, जिसको हमने रोका, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। अग्निपथ योजना जिस तरह से लेके आए, हमारे साथ कुछ बच्चे यहाँ पर हैं, 1.5 लाख बच्चे अग्निपथ योजना लाने से पहले वो सिलेक्टेड थे। जून 2022 के अंदर जब ये योजना आई, 1.5 लाख बच्चे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर सिलेक्टेड थे, भावी सैनिक थे। उनको रातों रात एक तुगलक की फरमान से बेरोजगार कर दिया। कुछ बच्चे हैं, खड़े होंगे, मेरे बच्चे यहाँ पे हैं, ये बच्चे झारखंड के हैं। उन 1.5 लाख बच्चों में से 5,000 बच्चे झारखंड के थे। इन झारखंड के बच्चों का, युवाओं का सपना तोड़ दिया देश की सेना में काम करने का। और आज जिस फौज पर आप फख्र करते हो, इस अग्निपथ योजना लाने के आड़ में 15 लाख की हमारी फौज आज सिर्फ 11 लाख की रह चुकी है, 4 लाख की हमारी फौज कम हो गई है। तो कैसे करेंगे हम अपनी देश की सुरक्षा? जैसा कि एमपी साहब ने बताया, इस बार चुनाव में जीतने के बाद, सरकार बनाने के बाद 100 दिन के अंदर 26 हमले हुए, 21 जवान घायल हो गए, शहीद हुए, 47 हमारे सिविलियंस मारे गए। और अग्निवीर, 20 अग्निवीर जो हमारे अभी तक शहीद हुए हैं, उनमें से कुछ लोगों ने, सिर्फ 4 ऐसे थे जो कि शहीद हुए, और उनको बाकी बचे हुए लोगों को तो शहीद का दर्जा भी नहीं दिया। कहते हैं कि बुलेट वुंड से इनकी हत्या तो हो गई या डेथ हो गई, लेकिन उसको आज भी शहीद का दर्जा नहीं दिया। यह है मोदी जी की सरकार। अब आपके जो घटनाएं, इन्फिल्ट्रेशन जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से बढ़ रही हैं, वो इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि आपकी सेना 15 लाख से घटकर 11 लाख रह गई है। आपकी राष्ट्रीय राइफल यूनिट, जिसके अंदर 1200 सिपाही होते थे, वो आज सिर्फ 800 रह गए हैं, 25% की कमी आ गई है। इसलिए वहां पे ऑपरेशनल डेफिशिएंसी आ गई। आप घुसपैठिया की बात करते हैं, हेमंत बिस्वा साहब बात करते हैं, और आपके बहुत शाह साहब यहां पर आकर बात करते हैं, घुसपैठियों की बात करते हैं। अरे, इंटेलिजेंस ब्यूरो आपके पास है, रॉ आपके पास है, और हर तरह की जो एजेंसियां हैं वो आपके साथ हैं। अब BSF आपके पास है, CRPF आपके पास है, पैरामिलिट्री फोर्सेस तरह तरह की आपके पास है। आपने बॉर्डर को सील क्यों नहीं किया बांग्लादेश के साथ? लोगों को क्यों आने देते हैं वहां से आप? अगर इन्फिल्ट्रेशन को रोक दिया होता तो आज ये आपको यहां पर आकर झारखंड में ये बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। और हेमंत बिस्वा साहब से सारे मैं डायरेक्ट पूछना चाहता हूं कि आपने अपने असम के अंदर आदिवासियों के साथ क्या व्यवहार किया है? जैसे बताया, क्या आपने उनको अलग सरना रिलीजन का आपने उनको अख्तियार दिया? नहीं दिया। आप दूसरी जगहों पर जाते हैं, कभी हरियाणा में, कभी राजस्थान में चुनावों में जाते हो, वहां पर जहर घोल कर आना चाहते हो। ये जहर कांग्रेस पार्टी घोलने नहीं देगी। ये स्वतंत्रता सेनानियों की पार्टी है, ये एक विचारधारा की पार्टी है, जोड़ने की पार्टी है। ये आपको ये भेदभाव और लड़ाई का और जो लोगों को बांटने का जो जहर आप फैला रहे हैं, समाज के अंदर फैला रहे हैं, वो नहीं फैलाने देंगे। झारखंड के लोग अपनी अस्मिता के लिए, इस लड़ाई के लिए दोबारा उठेंगे, दोबारा हेमंत सोरेन साहब की, इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस पार्टी की, JMM की सरकार बनेगी। और जो 7 गारंटियां हमारे साथियों ने दी हैं, कांग्रेस पार्टी ने दी है, इंडिया गठबंधन ने दी है, राहुल गांधी जी का जो वायदा है, जिस जिस जगह पर गारंटियां दी हैं, वो गारंटियां चाहे वो तेलंगाना सेंटर की सरकार को, यहां पर डबल इंजन की सरकार नहीं बनने देना। ये आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और साथ साथ ये भी सवाल करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि झारखंड को न्याय मिलेगा? उसकी 1,42,000 करोड़ की जो रॉयल्टी बकाया है, क्या वो मिलेगी? ये मैं आपसे, आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा। क्या ये 5,000 जो अग्निवीर झारखंड के हैं,
और 1.5 लाख अग्निवीर के आड़ में जो बेरोजगार कर दिए गए थे, क्या उनको रोजगार देने का काम सेंटर में सेना में भर्ती होकर देश की सेना में काम करने का मौका दिया जाएगा? ये मैं सवाल मोदी साहब से करूँ। महिला सुरक्षा के बारे में बात करती है, मैं आपके माध्यम से आपको बताना भी चाहूँगा और झारखंड के लोगों को बताना चाहूँगा कि अस्मिता बचाने का वक्त है। जिन लोगों ने देश की सेना में सुरक्षा में कभी कमी नहीं आने दी, मणिपुर में हमारे देश के सैनिक उनकी बीवियों के साथ उनकी वाइफ्स के साथ जिस तरह से नग्न अवस्था के अंदर परेड कराया गया, ये मैं सवाल करना चाहूंगा मोदी जी से, आपकी डबल इंजन की सरकार थी, आपने वहां पे क्यों होने दिया? भुवनेश्वर के अंदर हमारे एक आपके साथ वाले प्रांत में कुछ दिन पहले हमारे एक ऑफिसर की बेटी के साथ सीएम के भतीजे ने बहुत बदतमीजी करी और उसके बाद उसको उड़ीसा की पुलिस ने 100 दिन भी नहीं हुए थे उनकी सरकार बने हुए, बीजेपी की सरकार बने हुए, और उन्होंने किस तरह से उनके साथ बेइज्जत करने का काम किया। इसी तरह से इंदौर के अंदर दो सैनिकों के साथ उनकी दो महिला मित्र थी, शादी होने वाली थी उनकी, उनको इनकी सरकार थी डबल इंजन की सरकार थी, वहां पर उनके साथ दो महिलाओं के साथ रेप किया गया। हमारा पैरा कमांडो सोल्जर जो पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करके आया था, वो सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला जवान जब जयपुर में अपने घर पहुंचा, बड़े फख्र से अपनी साथ अपने साथियों के साथ घूम रहा था, जयपुर की इनकी सरकार ने वहां पर उसको गिरफ्तार किया और नग्न अवस्था के अंदर उसके साथ मार पिटाई करके उसकी इज्जत उतारने का काम किया। यह है डबल इंजन की सरकारें। मणिपुर की सरकार देख ली आपको, उड़ीसा की सरकार देख ली, जयपुर में राजस्थान की सरकार देख ली, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार देख ली, ये इंसिडेंट हमारे साथ हो रहे हैं। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है साथियों कि आप चेत जाइए, समय है आपके पास, और अपनी वोट से इनको यहाँ से बेदखल करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।